हेलो गाइस, मैं वार्निंग और अगेन मैं आप लोगों के लिए कुछ खतरनाक अपडेट लेके आया हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मॉर्टल अब रिसेंटली कोरिया जाने वाले हैं थग भाई के साथ। देन गाइस, उन्होंने ये भी बताया कि क्या वो BGMI से रिलेटेड किसी काम से वहाँ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और चैट में किसी ने उनसे बोला कि आप जब भी वहाँ जाओ तो BGMI को वापस लेके ज़रूर आना। तो इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन था और उनके साथ क्या पायल गेमिंग भी जा रही हैं या नहीं, वो भी उन्होंने क्लेरिफाई करा। वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। 14th of May से लेकर 24 तारीख तक मैं बाहर हूँ, फुल साउथ कोरिया एंड ऑल सब कुछ है, ठीक है? ऐसा सीन है। थग एंड पायल साउथ कोरिया, और भी लोग हैं मेरे ख्याल से। थग पायल है क्या, मेरे को पता नहीं। थग तो कंफर्म है मेरे को, बाकियों का हाँ पायल भी है मोस्टली, और कौन कौन है मेरे को पता नहीं है, मेरे को याद मतलब है। वैसे तो साउथ कोरिया जाओगे तो जी प्लेयर से मिलोगे। मैं सोनली वहाँ पे काम के पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो मुझे टाइम मिलेगा या नहीं कोरिया से पबजी लेके आना। मॉन्स्टर एनर्जी देखने को मिलेगा क्या? अबे साला देखो स्वर्णदीप जी। देन गाइस, गॉड लाइक न्यू ने आज मावी की स्ट्रीम पे रेड किया और उसके ऊपर मावी का रिएक्शन क्या था और गॉड लाइक न्यू का रिएक्शन क्या था, वो सारी चीज़ें आप इस क्लिप में देख सकते हो। सब जाओ, बता दो पाशा कौन है। यस सर। नियो रेड, नियो रेड है क्या? नियो कौन, गॉडल वाला? गंकी पाशा भी बहुत बोलता बोल रहा है कि था, नियो रेड। अच्छा, नेड ओके ओके, अच्छा ठीक है। थैंक यू बड़ी फॉर द रेड, थैंक यू सो मच बड़ी। तब भी नहीं देखो, इतने लोग बढ़ गए एकदम। क्या स्ट्रीम कर रहे हो यार? अरे अरे अरे, अगर कोई अपनी साइड से अपने को करता है ना, तो हर जरूरी नहीं होता कि हर बार तुम किसी को टप दो। अगर सामने वाला सीधे तरीके से रेड किया है तो उसको थैंक यू बोलो ना, ये सब तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो उसको? एंड गाइस, रिसेंटली गॉड लाइक का मैटर और स्काउट का मैटर जो चल रहा है, इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए टॉन्ट ने क्या कुछ बोला, वो सारी चीज़ें आप अभी सुन सकते हो। मैं एक सीन बताता हूँ जो भी चल रहा है ना, कल वो कल तो आंसर मिलेंगे सबके, बट सी मुझे बस एक चीज का बुरा लगा, जो भी समझ जाओ, कल मजा आएगा, कल 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 देखना। नियो एकदम ना गाली देगा ना कुछ देगा, एकदम अच्छे से रिप्लाई करेगा सारी चीज़ों का। देन गाइस, मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो के अंदर बताया था कि स्काउट ने क्या कुछ बोला और किसको चैलेंज करा, सारी चीज़ें उन सब के ऊपर रिएक्ट करते हुए न्यू ने क्या बोला, वो सारी चीज़ें आप अभी सुन सकते हो। स्टार्ट हुआ था ना, तो उसने जॉनी को कुछ तो भी बोला, और पहली बात तो मैं वो टाइम ही समझाया, ये गाड़ी रहता है ठीक है, या तो बंदा गाड़ी के बोनेट पे बैठेगा या तो पीछे बैठेगा या तो साइडवेज निकालेगा फोटो ना, छपरे पे तो नहीं बैठेगा। फिर तुम ही छपरी बोलोगे, हाँ मैं हूँ, मैं माना मैं छपरी हूँ, बट जॉनी नहीं है ना, मैं तो बैठ भी जाऊँ पर जॉनी थोड़ी बैठेगा। उसने ऐसा डाला ठीक है कॉपी करके, मैं सुबह उठा मेरे को इतने मेंशंस है भाई, देख वो कुछ भी करे तू बोल, तू तो बोल बोल सकता है कॉपी है ना, बट कुछ कुछ चीज़ें जो वो कॉपी नहीं कर सकता, तो वो कॉपी नहीं कर सकता जॉनथन को, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में, एक चीज़ में नहीं, एक चीज़ तो है वो नंदो भी। तो फिर मैंने स्टोरी डाला RRR, अब RRR का मतलब क्या है, वही मूवी का नाम, नहीं तो वही तो नाम है ना RRR। हाँ जॉनी ने MVP ट्रॉफी मतलब वो बनाया, उसने टैटू बनाया है तो बनाएगा ना, अब नहीं है तो अपन कैसे बना सकते। मैं भी बना सकता ना, मैं एक बार बना है, बट अपन नहीं है फिर भी बना रहे, मतलब ये है ना, मेरे पास मस्टैंग नहीं है और मैं बोल रहा हूँ मेरे पास मस्टैंग है। नहीं, स्टार्ट उधर से भी नहीं हुआ था, स्टार्ट हुआ था उसके पहले जब उसका कोई टीममेट ने मारा था इनको, अपने टीम को ठीक है, और उसने डाला था अब तो ये रोज का हो गया। अब बताओ मेरे को कि स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत है, हमने स्टार्ट करा इतने साल में, उसका नाम हमने लिया एक बार भी लिया इतने टाइम में, लास्ट टाइम कब हो गया? लास्ट टाइम मेरे को बताओ कब मैंने वो बंदे का नाम मेरे मुंह से लिया रहेगा, तुम लोग ही बताओ। डालो नियो और स्काउट कंट्रोल, देखना लास्ट टाइम मैंने कब सामने से उसको पोक किया रहेगा, नहीं ना, क्या ज़रूरत था अभी, और अभी ही क्यों सोचो, तुमको तो पता ही है सबको। तो उसने पहले पैसा पोक किया, अभी तो रोज का हम लोग ने कुछ नहीं बोला, हम लोग चुप थे ना, हम लोग ने एक ने भी रिप्लाई कुछ दिया नहीं। फिर उसने जॉनी को बोला, देख बच्ची सुन, जो तू तेरे स्ट्रीम पे आके बोला है ना, जॉन क्या जॉनथन के टट्टो पे उछलता है, जब उसके ना 0 सब्सक्राइबर्स थे ना, 0 सब्सक्राइबर्स,
और जब उसके इंस्टाग्राम पे 1K फॉलोअर्स भी नहीं थे ना, तब से मैं उसके साथ है, वो मेरे साथ है। जब वो उसका जीरो इनकम था ना और अभी वो लाखों में कमा रहा है ना, तब से उसके साथ हूँ। फ्रेंड्स नहीं, हम लोग फैमिली है, दोस्त नहीं, मेरा भाई है वो। वो कुछ नहीं बोलता बेचारा, वो उसका मूड भी खराब होता है, वो आता है उसका मूड खराब करके हम लोग को नहीं देखा जाता, हक से मेरा भाई है वो, समझा। जॉनी को ऐसा हो गया क्या कि मैं जॉनी को कभी सपोर्ट नहीं करता था और फिर मैंने देखा वो जॉनी ने इसको ओवरटेक कर लिया सब्सक्राइबर्स में, तो चलो अभी जॉनी को सपोर्ट, ऐसा नहीं ना। जब जॉनी का 100K भी था तब से सपोर्ट कर रहा हूँ, 200K था तब से सपोर्ट कर रहा हूँ, 500K था तब से सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे को जॉनी से फ़र्क पड़ता, उसके फेम से फ़र्क पड़ता जॉनी के, तो मैं जॉनी का व्लॉग नहीं बनाता रहता। फिर उसके बाद जाके ये स्ट्रीम पे बोलता है कि हमारी टीम 5 मिनट से ज़्यादा लॉबी में टिकती नहीं है, मेरी टीम इतनी अच्छी है कि हम अगर मर गए लॉबी में तो ही जाके ये लोग छोटे मोटे चिंदी टीम्स को मार के आ जाते हो तो आ जाते, वरना 5 मिनट से ज़्यादा टिकते नहीं, उतरो लूटो और मर जाओ। हंस बे, हंस हंस हंस, ऐसा स्क्रिप्ट बनाया था कि हंसो अभी, और तू कौन से कॉन्फिडेंस में बोल रहा है बे, पहले दिन क्वालीफाई करूंगा, दूसरे दिन इनको टारगेट करूंगा। भाई लास्ट 1.5 साल से कौन सा खुद का टीम लेके क्वालीफाई किया है, हमेशा क्वालीफाइड टीम के स्लॉट पे खेला है तू, ये सब मत कर ब्रो फालतू का। और ये सब अभी नेक्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम पे आके मत बज भाई, ये सब आके देखो, अगर है देखो मेरे से प्रॉब्लम है, देखो मैं एड्रेस भेजता, तेरे को नंबर रहेगा ही ना ऑनलाइन डालते, तूने मेरा नंबर लिख के था, जा नंबर ले मेरे को कॉल कर, ठीक है, किसी से नंबर मांग मेरा, मेरे को कॉल कर, तेरे को है प्रॉब्लम तेरे को एड्रेस भेजूंगा, सीधा बोल रहा है यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे, आ तू फेस टू फेस अपन बात करेंगे आके। अभी मैं बोल रहा है नेक्स्ट टाइम मिल मेरे को, रियल लाइफ में मिल, लिटरली मिल, सबके सामने बोल रहे, कितने 12,000 लोग देख रहे हैं, तू बजेगा लाइव स्ट्रीम में मेरे को समझ जाएगा कि तेरे को मिलने में, तेरे में है नहीं उतना मिलने के लिए, समझा। मिल, सामने खड़े रहे, तेरे अकेले के चक्कर में ना और बहुत लोगों के रिलेशंस खराब होते हैं, फिर तेरे को समझाने आता थग, मैं कुछ तेरे को बोलता हूँ मेरे को समझाने आते क्रॉन्टन घातक, फिर इनका आपस में लफड़ा हो जाता, समझा। तेरा भी बूट कैंप बॉम्बे में है, मेरा भी बॉम्बे में है, तो इधर ही मिल फिर बात कर, और वो जो बोल रहा है ना मेरे को लाइव स्ट्रीम पे वही मेरे मुँह के सामने बात कर। एंड गाइस, जब इसके बाद स्काउट भाई अपनी स्ट्रीम पे आए तो उन्होंने क्या कुछ बोला इससे रिलेटेड वो आप अभी सुन सकते हो। और गाइस, उन्होंने ये भी बोला कि वो अपनी साथी में नियो को भी इनवाइट करने वाले हैं, और प्रॉपरली मतलब कामली सारी चीज़ों को मैनेज किया और अच्छे से रिप्लाई दिया, और हाईलाइट चैनल को भी एक वार्निंग दी है, वो आप सुन सकते हो क्लियरली। क्यों रिप्लाई नहीं रेड भाई, मैंने 3 दिन बजा, वो 1 दिन आके बज गया, ठीक है। देखो यार, दो बंदे भिड़ जा रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, बट अंटर आजू बाजू से व्यूज छापने की लाइफ मत करो भाई। पता क्या होता है, अब जब दोनों नाव में टांग रखने की ट्राई करते हो ना, तो कभी नाव खिसक जाती है, समझ रहे हो, तो दोनों नाव में टांग मत रखो। क्या है ना कि अगर एक जगह से तुम स्ट्राइक आने लगती है, तुम नॉर्मली क्या करते लोग कि उस चैनल की यूज़ तो क्या बोलते हैं कॉन्टेंट यूज़ करना बंद कर देते हैं कि भाई हम इस साइड की कॉन्टेंट यूज़ नहीं करेंगे, हेट फैलाएंगे बट व्यूज़ छापेंगे। बट इवेंचुअली क्या होता है ना, एक पॉइंट पे जाके दोनों जगह जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं वो दोनों तो आगे जाके काम करना है इनको फ्यूचर में, बट जो व्यूज़ छाप रहे उनका क्या होगा, मेरे को ये जानना है, व्यूज़ छाप रहे उनका क्या होगा, उनको फिर दोनों जगह से जाएगी स्ट्राइक, फिर पता फिर कैसे आते हैं मेल्स, यार वी आर वेरी स्मॉल क्रिएटर, हमारे तो हाईलाइट चैनल है, हम बस यार बस कवर कर रहे थे न्यूज़, सो प्लीज़ हमारा स्ट्राइक हटा दो, समझो, ये दिस इज़ द फुल फॉर्मेट। सो कृपया करके मैं ये बोलूँगा कि जब दो लोग बातें करते हैं ना तो आजू बाजू नहीं बजना चाहिए, दोनों को सॉल्व करने दो। बुल्ला रखता है खुला, ऐसा शादी के बारे में बोल रहा था, अरे भाई नहीं हो रही शादी वादी, भाई कौन यार नियो को कौन न्यूज़ दे दिया कि शादी हो रही है, भाई नहीं हो रही मेरी शादी यार, अभी टाइम है, अभी टाइम है, मेरे को तो मेरे से पहले नियो की शादी हो जाएगी, जब हो जाएगा भाई ज़रूर मैं इनवाइट कर दूंगा नियो, यार तू आना यार ज़रूर, मैं तेरी शादी में आगे नाचूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। बॉक्सिंग मैच कर दे क्या नियो मेरा, यहाँ पर वेट कैटेगरी का डिफरेंस आ जाएगा यार, पता है मैचिंग तो हो जाए बट वेट कैटेगरी, मेरे को वेट कट डाउन करना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा 10 केजी नीचे।
मैं तो 80 kg का इंसान, आई थिंक वो होगा कुछ 50-60 का, 60-60 का होगा शायद। मेरे को 10 kg जाना पड़ेगा, कैटेगरी वेट कैटेगरी में डाउन देना पड़ेगा। मेरा 5 मिलियन का मेरा हो जाएगा यार, मेरा 5 मिलियन जल्दी। मैं देखा अच्छा अच्छा रोस्ट किया, आई लाइक द न्यू रोस्ट स्टाइल, गुड गुड स्टाइल अच्छा ये वाला न्यू का स्टाइल रोस्टिंग अच्छा था। कुछ कुछ थोड़ी चीज़ें मेरे को गलत लगी बट इग्नोर, अच्छा लगा ये इस बार जेन्यूनली अच्छा लगा। गाली कम था थोड़ा सा, बेटर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ न्यू, नाइस टू हियर ऑल द स्टफ, फन था। देखो रोस्टिंग स्किल होती है मेरा सामानना है, न्यू इस बार बेटर बेटर रोस्ट किया है, मेरे से बेटर तो नहीं कर सकता, अपन अभी बेटर कर सकते बट या इट वॉज अ बेटर बेटर रोस्ट। गाली के बिना थोड़ा सा लॉजिकल बातें कर रहा था अच्छा लगा, बट एक दो चीज़ें मेरे को थोड़ी सी गलत लगी, मैं उसको पर्सनली मिलूंगा तो उसमें शॉर्ट कर लूँगा चीज़ें कि यार देख अगली बार रोस्ट में ये पॉइंटर है ना थोड़ा चेंज कर देना, या फिर मैं तेरे को एक व्हाट्सएप पे पॉइंट्स भेज दूंगा कि इन केस ये पॉइंट तेरे को रोस्टिंग ले जाए तो मैं दे दूंगा। एंड गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई एम श्योर आप लोग किसी को भी हेट नहीं दोगे और हेट कमेंट नहीं करोगे, प्लीज़ यार मेंटेन रखो भाई, ये सारी चीज़ चलती रहती है भाई, ई स्पोर्ट्स है। देन गाइस सी यू सून, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सायोनारा।